हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेस्टर्शियम के हैं और बहुत इजी टू ग्रो हैं, नो मेंटेनेंस, और इनको लगाना बहुत आसान है। ये विंटर्स के फ्लावर्स कहलाते हैं, लेकिन ये फूल इनके खिलना शुरू होते हैं जनवरी से और मई के एंड तक बहुत आराम से चलते हैं। ये जो हैं, देखिए आप, ये बेल टाइप में होते हैं, तो अगर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे या आप गमले में ही लगा के किसी मुंडेर वगैरह पे रखेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं नीचे लटकते हुए, और इनमें बहुत फूल आते हैं। और ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको चाहिए कि इनके सूखे हुए फूल आप तोड़ते रहें और इनकी पत्तियां भी जो आपको जहाँ से ज़्यादा लग रही हैं वो तोड़ के निकालते रहें। ये ईडेबल भी हैं, इनके फूल भी खाए जाते हैं और ये जो इनकी पत्तियाँ हैं ये भी खाई जाती हैं सैलेड में। ये थोड़े खट्टी खट्टी सी होती हैं और ये फूल भी सैलेड वगैरह, डिशेज वगैरह सजाने के काम में आते हैं और ईडेबल होते हैं, इनको खा सकते हैं। तो इनको सबसे पहले ये कैसे कि इनको कैसे लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स इनको सीड से लगाया जाता है और बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। वैसे तो मार्केट में इनके सीड्स मिलते हैं, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह के इनके सीड्स होते हैं। ये तीन सीड्स हैं और ये जब सूख जाएंगे तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो आपको अपने प्लांट से सीड्स लेने हैं तो इनके सूखने का इंतज़ार कीजिए और इनको गिरने का इंतज़ार कीजिए, इनको गिर जाने दीजिए। हैवी बीज होते हैं, उड़ेंगे तो है नहीं, है ना, जब नीचे गिर जाएं तो नीचे से उठा के ये मटर के साइज़ से होते हैं, थोड़े काबुली चने जैसे, तो उठा के थोड़ी सी राख मिला के और आप फिर इन्हें जिप लॉक बैग में या किसी पुड़िया में करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी सॉइल की। तो इनको ऐसा तो ये हर तरह की मिट्टी में लग जाते हैं, लेकिन आप गमले में लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल ही लेना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल का कंपोजिशन वही रहेगा, वन पार्ट सैंड, वन पार्ट कंपोस्ट और वन पार्ट इसमें गार्डन सॉइल मिला के और आप गमले में लगा के इनको लगा दीजिए। ऐसे तो ये आठ दस इंच के गमले में बहुत अच्छे सीजनल प्लांट सारे बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन अगर आपके पास गमला बड़ा है तो आप उसमें दो या तीन प्लांट भी लगा सकते हैं। 12 इंच का या 14 इंच का गमला है तो आप उसमें तीन या चार प्लांट भी लगा सकते हैं। और ये इनकी ट्रेल्स जैसी चलती है, वाइन जैसी चलती है ना, तो अगर आप इसे किसी मुंडेर पे रखेंगे तो नीचे लटकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, या आप इनमें स्टिक लगा के ऊपर वाइन की तरह इन्हें चढ़ा दें। मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने एक चढ़ा भी रखा है नीचे। तो ये इनकी सॉइल की बहुत हो गई। सेकेंड चीज़ है इनकी वाटरिंग, तो इनको पानी आप जैसे रेगुलर बाकी सारे प्लांट्स में डालते हैं वैसे ही डालते रहें, लेकिन इनकी मिट्टी का ये है कि आप इन्हें ज़्यादा गैप लंबा मत रखें पानी का, कि आपने एक विंटर्स में एक दिन का काफ़ी है, लेकिन समर्स में आपको डेली ही डालना चाहिए। और फिर आती है इनकी प्लेसिंग, तो इनको आप स्कॉर्चिंग हीट से बचाएं। विंटर्स में तो जैसे धूप रहती है तो तीन चार घंटे भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जैसे मार्च के एंड से धूप तेज़ होने लगती है तो उस टाइम आप इन्हें थोड़ी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि इनको दो तीन घंटे की धूप मिले, मॉर्निंग की या इवनिंग की जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आता है फर्टिलाइज़र, तो इन प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र इनको डालेंगे तो इसमें पत्तियाँ बहुत होंगी, फूल कम होंगे। आपने तो फूलों के लिए लगाया है ना, तो इसलिए आपको फर्टिलाइज़र कम डालने चाहिए और महीने में एक बार फर्टिलाइज़र काफ़ी रहेगा। तो फूलों के लिए और सब्जियों के लिए, फलों के वाले प्लांट्स में सबसे अच्छा बॉर्न मील होता है गमले के साइज़ के हिसाब से। अगर 10-12 इंच का गमला है तो आप एक चम्मच बॉर्न मील उसमें वही डालें, गमले के किनारे किनारे एक इंच की गहरी उसमें लाइन बना लें और फिर उसमें वो बॉर्न मील डाल के और मिट्टी से कवर करके पानी डाल दें। फ्रेंड्स, खाद आप जब भी डालेंगे पानी डाल दें फौरन, और खाद डालने के पहले भी आपके गमले में थोड़ी नमी होना चाहिए तभी आप खाद डालें। तो ये हो गया इसका खाद डालने का तरीका। आप इनमें लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी, है ना, लेकिन मेरा सजेशन है कि ऑर्गेनिक जितना चले उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो फिर कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट इसमें आती है पेस्ट की बात, तो इसमें ऐसा इतने ज़्यादा पेस्ट लगते नहीं हैं। ये जो है एफिड्स को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो इनको लगाने का जो एक तरकीब है कि इनको आप लगाएं
सब्जियों वाले प्लांट्स के बीच में, जैसे टमाटर है, बैंगन है, उनके बीच में आप लगाएंगे तो जो एफिड्स वगैरह हैं वो इनकी तरफ अटैक्ट होके इन पे लग जाएंगे, आपके सब्जियों के प्लांट्स में नहीं लगेंगे। इन पे तो फिर हम अपनी वो नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे कर देंगे तो वो एफिड्स ख़त्म हो जाएंगे, बाकी इसमें दूसरे कीड़े लगते नहीं हैं ऐसे। ठीक है, ये तो जो मैंने आपको दिखाई ये मेरी नॉर्मल वेराइटी है, इसमें वेरीगेटेड लीफ वाली भी आती है जिसकी पत्तियाँ थोड़ी शेडेड होती हैं, वो मेरे को मिली नहीं है, ये तो मेरे घर के ही उगे हुए हैं। एक्चुअली मैं तो बीज इनके सेव करती नहीं हूँ, जहाँ ये नीचे उग रहे होते हैं वहीं गिरते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और नेक्स्ट ईयर जब इनका सीज़न आता है अपने आप ग्रो कर जाते हैं, और फिर उन्हीं में से मैं वहीं से निकाल के इनको जहाँ जहाँ मुझे लगाना होता है मैं इन्हें लगा देती हूँ। तो वहीं से निकाल के मैंने ये लगाए हैं, अभी आपको नीचे भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चल रहा है, यहाँ से इसको मैंने बेल की तरह इस पर चढ़ा दिया, इसमें से ऐसी ब्रांचेस निकल रही हैं, बस अब इनको धीरे धीरे मुझे उससे डोरी से इनको बांधते जाना है। तो ये ऐसे देखिए आप, ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ये चलता रहेगा ऐसे इस पर। अभी और भी उग रहे हैं नीचे, ये देखिए इधर भी उग रहा है ना, इसको भी मैंने अंदर कर लिया, ये बाहर की तरफ था, इसको मैंने अंदर कर दिया, और इधर भी उग रहे हैं काफ़ी कुछ प्लांट्स, उनको भी निकाल के मुझे अलग करना है। अभी ये यहाँ पे मेरे सिंड्रेडिया लगे हुए हैं, क्योंकि इस एरिया में धूप काफ़ी कम आती है, यहाँ बड़े बड़े ट्रीज़ हैं ना, सब देखिए बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, है ना, इधर जो जितने भी प्लांट्स लगे हैं सब कम धूप वाले लगे हुए हैं, वही चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहा मैंने आपको दिखाया, इसकी बेल देखिए आप कितनी बड़ी हो गई है, ये कम से कम अभी 7-8 फीट की है पूरी, है ना। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा तरीका और मेरा एक्सपीरियंस नेस्टर्शियम लगाने का, जो मैंने आपसे शेयर किया, और आई सजेस्ट कि इनको आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि इनके कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।